वन एंड वन ओनली बागी के लिए। तो यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली देखते हैं।
यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगी क्यूट सी ड्रिंक जिसका नाम है ब्लू एंजल, जो है लीची फ्लेवर में। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं स्पेशली ग्रिल फूड, ये है चिकन। इसके बाद आएगा प्रॉन्स, ये है प्रॉन्स। ये स्पेशली नॉनवेज के सारे ग्रिल फूड हमने मंगाए हैं, सारे नॉनवेज के फूड्स जो है अनलिमिटेड। और ये है फिश जो सारी ग्रिल की गई है और इसके अंदर कोयला डाला है, तो आप खाते वक्त भी ये पूरी तरह से ग्रिल रहेगा और ये पूरी तरह से हॉट रहेगा, तो खाने में आपको बहुत ही यम्मी टेस्टी और डिलीशियस फूड लगेगा ये, और बहुत ही गर्मा गर्म है। तो हमने यहाँ पे लिया है फिश, चिकन एंड प्रॉन्स। तो उसके साथ ये है डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉसेस, ये है पुदीने की चटनी, ये है मायोनीज, और उन्होंने यहाँ पे दिया है रेगुलर टमाटो का सॉस। यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं स्पेशली बारबेक्यू फूड, ये हमने लिया है चिकन विथ पुदीने की चटनी। चिकन प्रॉपरली बेक हो चुका है, बहुत ही यम्मी और ग्रिल वाले टेस्ट, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। अगर आप नॉनवेज लवर हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सी फूड में स्पेशली ये है प्रॉन्स, वो हम ट्राई करेंगे विथ मायो। सी फूड स्पेशल प्रॉन्स मुझे बहुत पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा बाकी फूड पसंद है। ग्रिल फूड में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये ग्रिल फिश जो है बोनलेस, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और यमी लग रही है, ट्राई करते हैं। फिश बहुत ही लजीज है टेस्ट में, और उसके अंदर का जो स्टफ है वो बोनलेस है जैसे आप देख सकते हो, और ऊपर से पूरा ग्रिल किया गया है, तो फिश के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इफ़ यू लव फिश आप यहाँ पे आइए, ट्राई कीजिए अनलिमिटेड फूड, ढेर सारा फूड यहाँ पे बारबेक्यू में सोलापुर में मिलता है, तो जस्ट विजिट बारबेक्यू। इतना सारा अनलिमिटेड खाना आपको पर पर्सन मिलता है बस 799 रुपीस में, और ये रेगुलर प्राइस है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलता है। अगर आप सैटरडे संडे विजिट करते हैं तो प्लीज़ बुकिंग करके ही जाना, यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है शाम के टाइम पे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ उनका नंबर, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और बुकिंग कीजिए आपका स्पेशल बर्थडे विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये है मेन कोर्स का काउंटर, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ये वैरायटी ऑफ नॉनवेज फूड। यहाँ पे है एक लखनवी मसाला, देखने से तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, तीखा भी लग रहा है। ये है मटन खरड़ा, खरड़ा है तो ये स्पेशली बहुत ही तीखा होगा। इसके बाद आती है बारी फिश मालवनी करी की, ये मालवनी स्टाइल में बनाया गया फिश है। और ये है चिकन लहसुनी मसाला, और इसके बाद बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबकी फेवरेट बिरयानी, तो इसके लिए मैं अलग से प्लेट लेने वाली हूँ। ये है मेरी फेवरेट बिरयानी, मैं ढेर सारी लेने वाली हूँ बिरयानी, स्पेशल बारबेक्यू की बिरयानी। मेन कोर्स यहाँ पे आ गया है, और खाने में इतनी सारी वैरायटी है मेन कोर्स में, ट्राई करने वाली हूँ नानी के साथ। तो ये है लखनवी एग मसाला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग है, इसके साथ है मसाला की सब्ज़ी, जो लोग नॉनवेज खाते थे उनके लिए एग का ऑप्शन यहाँ पे बढ़िया दिया गया है।
उनकी ग्रेवी बहुत ही ऑसम है, मुझे तो एग पसंद है, फिश भी पसंद है, चिकन भी पसंद है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो चाहता है वो खा सकता है, वेज नॉन वेज चिकन मटन फिश सब कुछ। तो एक ही छत के नीचे इतनी सारी वैरायटीज हमें मिल रही है। इफ यू आर फूड लवर जस्ट कम हियर। अब हम ट्राई करने वाले हैं फिश, स्पेशल फिश मालवनी करी। यहाँ पे है ये बोनलेस फिश, इसके साथ है ये करी। तो फिश मालवनी करी बोनलेस है, तो इसके लिए झंझट नहीं हमें उसका पूरा निकालना करना। यहाँ के सारे आइटम्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ना तीखा नहीं है ना ज़्यादा मीठा है, हर एक एज ग्रुप का इंसान यहाँ पे खा सकता है। अगर आपको फिश पसंद है वो भी बोनलेस, घर पे बनाने की झंझट करने की क्या ज़रूरत है अगर आपको मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट आइटम का नाम है मटन खरड़ा। ये दिखने में भी हरा है और तीखा बहुत लग रहा है। ये है मटन का पीस, आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेंटेन की हुई है। ये मैं नान के साथ मटन खरड़ा ट्राई करूँगी। हरी मिर्च का इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा तीखा है, और आपको तीखा पसंद है और ये मटन खा के देख रहा है। तीखा है, बढ़िया है और नॉनवेज के लिए स्पेशली अच्छा है। यहाँ पे आता है मेन कोर्स के बाद नंबर सबकी फेवरेट बिरयानी, बिरयानी स्पेशल। बिरयानी का तो मज़ा ही आना रहता है, अगर आप मेन कोर्स स्किप कर दो और बस बिरयानी खाओ तो भी बढ़िया लगती है। बिरयानी चम्मच से खाने से अच्छी लगती है, मस्त हाथ से खाने से। यह स्पेशली चिकन बिरयानी, मुझे बहुत ही यम्मी लगी और बहुत ही गर्मा गर्म है। इसके लिए राइस जो है प्योर बासमती राइस उन्होंने यूज़ किया है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी है। खाने के बाद आता है नंबर स्वीट का, डेजर्ट्स का। यहाँ पे उन्होंने ढेर सारी वैरायटी दी है, ये बच्चों के लिए तो बहुत ही फेवरेट है डेजर्ट काउंटर। मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ ब्राउनी, बढ़िया टेस्ट है सबकी। खाने के बाद डेजर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, खाओ बढ़िया से डेजर्ट खाओ, फिर उसके बाद सो जाओ भाई। ये है स्पेशली खीर, उन्होंने बहुत ही क्यूट से पैकेज में दी है। फिर उसके बाद आता है ये पाइनएप्पल का स्वीट सकेक। डेजर्ट की जितनी वैरायटीज है वो बहुत ही मुझे पसंद है। इसके बाद तो आइसक्रीम भी आएगा, तो अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आइसक्रीम की भी राह देखो, मेरा वीडियो कंटिन्यू देखो। यहाँ पे मेरा हो गया है बर बैठ के बहुत सारा खाना। खाने के बाद आता है डेजर्ट का नंबर। यहाँ पे डेजर्ट में आइसक्रीम में उन्होंने बहुत सारी वैरायटी दी है। ये है मेरी स्पेशल फेवरेट मावा फ्लेवर की कुल्फी है, और ये चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम। तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, सारे स्किप कर दो और बस आइसक्रीम पे टूट दो। तो दोस्तों ये मैंने कितनी सारी मेहनत करके वीडियो बनाया है आपके लिए, इतने सारे खाने की वैरायटीज देखी है, दिखाई है। सोलापुर का स्पेशली बारबेक्यू रूम जो न्यूली ओपन हुआ है, तो आप यहाँ पे आइए और मुझे बताइए कि आपको यहाँ का वेज फूड अच्छा लगा या नॉन वेज फूड। यहाँ पे मैंने रिव्यू बनाया है बस बारबेक्यू का, स्पेशली नॉन वेज फूड।
जिसमें है ग्रिल और मेंकोस। तो आप मुझे ये वीडियो जितना ज़्यादा देखते हो, जितना वायरल ये वीडियो होता है, इसके बाद में आपके लिए, बस आपके लिए स्पेशली वेज फूड का बारबेक्यू स्पेशल लाऊंगी। तो उसके लिए आप वेज फूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी फूड की क्वालिटी कैसी लगी, यहाँ का फूड कैसा लगा, और बहुत सारा लाइक देना। उसके बिना मुझे एनर्जी कैसे आएगी ना, मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। इतना सारा खाना खाती तो एनर्जी आती है, लेकिन आपका प्यार भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मुझे जो है वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बस दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और सबको यहाँ पे आने के लिए बोलना, और मेरा वीडियो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगा बारबेक्यू स्पेशल वेज फूड।